माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी पत्र लिखा हूँ। मोदी जी को प्रधानमंत्री को लिखे आप? हाँ, मोदी जी को भी पत्र लिखा हूँ। मोदी जी के द्वारा कहा गया है सूचना के अधिकार में कि मैंने डाक सेवा के सेक्रेटरी को भेज दिया है। कितना दिन पहले जवाब आया था? 2 साल पहले जवाब आया। अब बताइए, मोदी जी कहते हैं सबका साथ है सबका विकास, उसी मोदी जी के राज में बताइए तो 3 साल से एगो जांचे हो रहा है कि आदमी फर्जी डॉक्यूमेंट पर नौकरी कर रहा है उनके विभाग में। अब बताइए, वो रिटायर हो जाएगा, पेंशन मिल जाएगा, तब उसका जांच प्रक्रिया होगा। अब यही बिहार है। अब बताइए, यहाँ सर्टिफिकेट एक आदमी का 4-4 जन्म प्रमाण पत्र है, क्या देश लेवल के नौकरी में भी सर्टिफिकेट को नहीं जांचा जाता? इतना बड़ा अगर कांड है दोस्तों, हमारे हाथ में जो ये एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये चाचा दे दे के थक गए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर डाकघर से लेके बिहार के नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री है वहां तक दे के थक गए हैं। सुनने देखने वाला कोई नहीं है, गिनेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। इसी को कहता है बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है। बता रहे हैं आपको कि क्या कहानी है, ये सब रख के अचार बनाइएगा, क्या करेंगे वही कीजिएगा ना, अचारे बनाइएगा। इतना दिन से तो कोई सुन नहीं रहा है, 6 साल 7 साल से कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। क्या मामला है बताइए, किसके मामले बारे में आप कह रहे हैं? मामला है चंदेश्वर प्रसाद कुशवाहा, पिता सहदेव भगत, ग्राम झिंगा, थाना मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर की नियुक्ति भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक GDS के पद पर शाखा डाकघर झिंगा मोतीपुर मुजफ्फरपुर के अंतर्गत 16/10/1993 को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर हुई थी। इस योग्यता प्रमाण पत्र में डाक सेवा का जन्म तिथि 5/5/1968 है, जबकि मध्य विद्यालय नकटा के नामांकन पंजी में इनका जन्म तिथि 28/5/1962 है और उच्च विद्यालय मोतीपुर के नामांकन पंजी में इनका जन्म तिथि 28/5/1960 अंकित है। एक आदमी का 3 गो जन्म तो तिथि है, 3 जन्म तिथि है। अच्छा अच्छा, अतः इनका 3-3 जन्म तिथि होने का ठोस प्रमाण है, जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय भी सूचना के अंतर्गत प्रमाणित करके भी दिए हैं, जो प्रवरक डाक अधीक्षक और कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल उत्तरी क्षेत्र मुजफ्फरपुर को सभी डॉक्यूमेंट दे दिया गया है। तो अब जो आप ही कह रहे हैं, अब बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को भी इनके योग्यता प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल उत्तरी क्षेत्र मुजफ्फरपुर के द्वारा 8 बार इनके योग्यता प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए पत्र लिखा गया, लेकिन संस्कृत बोर्ड के जो सचिव हैं वो प्रमाणित करके नहीं दे रहे हैं, चूंकि इनका तो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड में कुछ है ही नहीं, फर्जी है, तो ये शिक्षा सचिव कहाँ से प्रमाणित करके देंगे? तो अब बताइए, ये आदमी 30 साल लगभग 30 साल से नौकरी कर रहा है। हाँ, 28-29 साल से 28-29 साल से नौकरी कर रहे हैं आप, 6 साल से लगभग 8 साल से लगभग जांच प्रक्रिया में, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, प्रवरक डाक अधीक्षक और कार्यालय पोस्ट मास्टर जनरल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सभी लोगों से मैं सूचना के अंतर्गत मांगता हूं, तो सब लोग कहते हैं कि अभी मामला जांच में चल रहा है, जांचाधीन लंबित है। देश लेवल के नौकरी में भी सर्टिफिकेट को नहीं जांचा जाता, इतना बड़ा अगर कांड है, इसको सही से जांच किया जाए और इस व्यक्ति के साथ जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, दूध का दूध हो और पानी का पानी हो, तो मोदी जी और मोदी जी के जितने भी विभाग है, डाक विभाग, इस पर त्वरित कार्रवाई हो और ऐसे लोगों पर सजा हो, कार्रवाई हो कि भाई नौकरी क्यों कर रहा है ऐसे लोग पे।